कभी कभी कुछ चीज ऐसी डील मिल गई कि भाई अनबिलीवेबल। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ है। मौसम ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त से हल्की हल्की धुंध और हल्की हल्की बौछार है ना हवा के अंदर, हल्की सी बारिश वैसा वाला मौसम है। बूंदे नहीं है बट वो नमी है। कैसा है? बूंदे है, कैसे दिख तो रही है बारिश की बूंदे। घर कितना भी बड़ा हो, कितना भी महंगा हो, जब तक आपके घर के पीछे ये चीज़ नहीं है ना, मतलब आप जाने को आप गाड़ी उठा के जा सकते हो बट लाइक देर इज़ नो एफर्ट रिक्वायर्ड कि जस्ट गो। आई थिंक वो सारे पैसे वसूल है, चाहे छोटा घर हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे महल, हाँ झोपड़ी हो बेशक, लेकिन पीछे ये जगह हो ना, लाइक देर इज नथिंग लाइक इट। रात को बनी रही थी दाल मखनी बिना मक्खन वाली, क्योंकि रोज़ रोज़ इतनी मक्खन वाली नहीं खा सकते। आज रिकॉर्ड हो रहा है नई DJI एक्शन 5 प्रो से, फटाफट खा के भाग गया। जो मैंने बोला था ना कि मेरे नेक में कुछ इश्यूज चल रहे थे, उसके आगे फॉलोअप के लिए आज एक न्यूरोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट है, तो अभी वहीं भाग रहे हैं। गाड़ी में ना बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जैसे ही गाड़ी तो ना जैसे अभी इस टाइम गाड़ी में से कोई आवाज़ नहीं आ रही, गाड़ी स्टार्ट है, बट जैसे ही मैं इसको न्यूट्रल में डालता हूँ, ठीक है, आई डोंट नो क्या फंडा है, तो मैंने जो है इसके लिए रिक्वेस्ट डाली है, सर्विस रिक्वेस्ट। 1.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, अब 1.5 महीने तक इसी आवाज़ को झेलना पड़ेगा। तो या इस जो कैमरा है ना, इसका फ़ायदा क्या है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी एक्शन कैमरा, और एक्शन कैमरा होने के बावजूद भी इसकी क्वालिटी जो है दैट इज़ एक्सेप्टेबल। दो मिनट का मार्जिन है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, वैसे उन्होंने बोला था आधे घंटे पहले आना। ये अब आधे घंटे पहले ही आए हैं। मतलब क्या आधे घंटे? अरे वो पेपर वर्क, वो एक्चुअली पेपर वर्क, वो हमने पेपर वर्क ना हमने सारा इनकी डॉक्टर के क्या था उसने लिंक भी भेज दिया था, क्योंकि यहाँ ना इंश्योरेंस वगैरह की वजह से पेपर वर्क बहुत होता है, और वो पहले ना आपकी सारी हिस्ट्री लिखवाते हैं, कोई सर्जरीज हुई हैं, कोई और प्रॉब्लम है, कोई फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, वो सारा पूरा कच्चा चिट्ठा खुलवा देते हैं, अपने ऐप पे ही उनके सारा भर दिया, वो लिंक उन्होंने दिया, तो वहाँ जाके टाइम इसलिए बच जाएगा। बट और आज अपने पास एक नया कैमरा भी आ जाएगा, फिर तो आज न्यू फोन साक्षी बाबू। आपको अपने पास में वो वाइप्स रखनी पड़ेंगी, क्लीनिंग वाली। वो आता ऋषि, वो स्क्रब डैडी नहीं है, स्क्रब डैडी का ना ऐसे फोन का वो आता है, तो वो फोन पे चिपक जाता है ऐसे, और उसी में छोटा सा वो लेंस क्लीनर का वो। इसकी ना मेरे को एक बात बहुत ही बढ़िया लगी जो मेरे को अभी तक किसी और कैमरा में नहीं मिली, विच इज क्विक कैप्चर। क्विक कैप्चर बहुत कैमरा में होता है, आपने सिर्फ एक रिकॉर्ड का बटन दबाया वो रिकॉर्ड कर लेता है, बट इट टेक्स लाइक 3 सेकंड्स और 4 सेकंड्स। इसमें पता है कैसा है, 0.3 सेकंड में सी
सी अभी बंद है, दिस कैमरा इज ऑफ, मैंने बटन दबाया, देखना रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो क्या है कि आप तो मिस नहीं करते, ये घर बड़ा अच्छा बना यार, वो मुझे पता ही नहीं था कि शार्लेट में भी कोई वो ट्रैम वगैरह चलती है, पटरी है बिल्कुल, यहाँ तो मैं टोरंटो जैसे बिल्कुल क्या है कि यूएस का जो हेल्थ केयर है ना वो महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है, पूरी दुनिया में सबसे महंगा होगा आई थिंक। और मैंने एक बार शेयर किया था कि एक बार हमारे को इमरजेंसी जाना पड़ा था, कितना ज़्यादा बिल आया था, अभी 6 महीने हुए हैं उस चीज़ को, मैं अभी तक डील कर रहे हैं। और उसमें क्या हो रहा है कि डॉक्टर का बिल अलग आया, हॉस्पिटल का बिल अलग आया, रेडियोलॉजी का अलग आया, मुझे लगता है बस वहाँ के चपरासी का बिल आना बाकी है, वो भी देगा कि भी मैंने उस दिन झाड़ू लगाई थी मुझे बिल दो। वो टोटल जो बिल मैंने उस टाइम शेयर किया था आई थिंक 14-15 हज़ार, वो 16-17 हज़ार पहुँच चुका है, बाद में और भी आए बिल हमारे पास। एनीवेज महंगा बहुत है, बट एक चीज़ जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो जैसे कि जैसे मैं अभी स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, मैंने आई थिंक 3 या 4 दिन पहले हम लोग नॉर्मल डॉक्टर के पास गए थे, 1 हफ्ते पहले नॉर्मल डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, तो वहाँ मैंने उसको बोला कि भाई मैं न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहता हूँ, इतना टाइम हो गया आराम नहीं आ रहा, तो नर्व्स वगैरह वो दिल डू सम MRI ये वो, बोलती हाँ ठीक है, मतलब विद इन अ वीक आई एम कमिंग हेयर फॉर अ न्यूरोलॉजी अपॉइंटमेंट। एंड मैं जनरलाइज नहीं कह सकता बट आई थिंक कैनेडा में 1 हफ्ता तो नहीं लगता, ज़्यादा ही लगते और हो सकता है कुछ महीने भी लग सकते थे। तो हर जगह के फ़ायदे नुकसान है, यहाँ महंगा बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट अपॉइंटमेंट्स बहुत जल्दी मिल जाती हैं। अपॉइंटमेंट इज डन, तो नाउ वी हैव टू गेट सम टेस्टिंग डन, कुछ MRIs वगैरह करवाने हैं, एंड देर इज गोइंग टू बी अ CT स्कैन एज वेल दैट आई हैव टू गेट डन। तो अभी फॉल सीजन स्टार्ट होने ही वाला है और यहाँ पे पेड़ों के जो रंग हैं वो बदलने स्टार्ट हो गए हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अपना नया कैमरा लेने के लिए और कैमरा लेने के लिए किसी टेक्नोलॉजी की शॉप यानी कि बेस्ट बाय वगैरह पे नहीं जा रहे, कैमरा लिया जा रहा है ऑक्शन वाली वेबसाइट से, बड़ी जबरदस्त डील मिली है। अबे रुक जा धीरे, हां है ऑलराइट। बहुत जमाने के बाद हम लोग आ रहे हैं इस पे ऑक्शन वाली वेबसाइट पे, एक्चुअली नहीं है हमारे घर से ना बहुत दूर हो गई है तो आने का इतना चक्कर लगता नहीं। यार कितनी एक बार वैसे जाके ना करना चाहिए उसको रिकॉर्ड, मतलब 2-3 गाड़ियां भर के लेके आई हुई है अपने साथ, अपने को मिल गया नया कैमरा, खोलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे हम ना यहाँ पे आजकल बहुत कम आते हैं क्योंकि हमारे घर से दूर बहुत है, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ ऐसी डील मिल गई कि भाई अनबिलीवेबल, तो फिर आ भी जाते हैं, ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके आ जाते हैं यहाँ पे जो बाहर से हमारे गेस्ट विजिट कर रहे होते हैं। बट आज अपने को ना ये एक हैंडी कैम मिल गया है, पैनासोनिक का 4K हैंडी कैम, खोल के देख ही लेते हैं। खोलियो। सो ये पुराने ज़माने में चला करता था ना हैंडी कैम, वैसे पकड़ो और जूम इन जूम आउट करो लंबा लंबा, इसमें काफ़ी अच्छा टेलीफोटो होता है इसके अंदर। देख कितना यूज करो। अरे यार ये $800 का नया कैमरा है, ठीक है, मुझे मिला $125 का। ये चाकू ही है? नहीं जी। क्या है ये? अभी अमेजोन पे किसी ने लेके रिटर्न कर दिया होगा, और इसमें एक ही चीज़ की कमी थी, उन्होंने बोला इसकी बैटरी नहीं है, $20 की बैटरी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, वो आज घर पे आ जाएगी, टेस्ट तो कर नहीं पाएंगे ना। ये
बबल रैप में रैप करके भेजा है किसी ने। कैमरा तो नया ही लग रहा है। अब बैटरी तो ले ली मैंने, ऑर्डर कर दी। केबल कौन सी लगी हुई है ये किसी ने क्या किया? लोग कई बार क्या करते हैं पता है, उनको बैटरी चाहिए, उसने कैमरा ऑर्डर किया, बैटरी निकाल के कैमरा वापस कर दिया। इस कैमरा के अंदर ना बड़ी वो जैसे नॉस्टैल्जिक वाली फील होती है ना, वो आती है। तो मेरे को भी वो मन करता है यार ये कैमरा भी अपने पास होना चाहिए था, बट डेफिनेटली अब $800 पे करके मैं नहीं लूँगा कैमरा जो मेरे को कभी कभी यूज़ करना हो। बट ठीक है, $125 व्हाट्स द बिग डील, 25x का जूम है इसमें। कोस्को गया ना, फ्री फंड का खाना खाता हूँ। पर इतना खाने के बाद ना मेरे को भूख लगी है, तो यहाँ पर कोस्को में कुछ नहीं खाना पड़ेगा। Alright, time to use this camera. लेकिन क्या हुआ कि Amazon से मैंने इसकी बैटरी ऑर्डर करी थी, वो आज आनी थी, आज आई नहीं है, वो कल आएगी। तो बैटरी तो नहीं है लेकिन मेरे पास जुगाड़ है। मैंने इसके साथ जो चार्जर था ना वो इसको प्लग कर दिया और दूसरी तरफ से ना इसके अंदर लगा दिया है अपने पोर्टेबल बैटरी में। इसको जो है मैंने रख लिया ऐसे पीछे जेब में, एंड आई एम रिकॉर्डिंग। काम तो चल ही रहा है, सी नाउ आई कैन जस्ट, जुगाड़ तो सारे हैं। अब ये बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें मेमोरी कार्ड भी डाल दिया। लुक, आई एम गोना रिकॉर्ड। तो ये ऐसे जूमिंग किया इसने, ये मैं पूरा फ्रिज के अंदर जूमिंग करके चला गया। ऐसे जूमिंग से मैं बंद नहीं कर सकता, मतलब इतना नजदीक तो चला गया फ्रिज के मैं, और जूम इन करता हूं और डुप ऐसे करके बंद करता हूं। ऐसे होना चाहिए नहीं, पर मैं दिखा सकता हूं तेरे पास फ्रिज में क्या-क्या पड़ा हुआ है। और ऐसे मेपल्स से आपका मुंह भी बंद कर सकते हैं, कर सकते हो? मुंह बंद करना चाहती है तो मेरा, अब बोल, मुंह बंद करना चाहती है तो। किसी के तो घर पे कुछ तो बहुत ही जबरदस्त बढ़िया बन रहा है। आई थिंक कुछ सांभर या ऐसे कुछ, उसकी स्मेल आ रही है आसपास से बहुत ही तगड़ी। बाहर रिकॉर्ड करके देखते हैं कितना दूर तक बढ़िया इसका वो आता है जूम।